हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मायशास किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्रत स्पेशल रेसिपी जो आपने कभी ना खाई होगी ना कभी देखी होगी। बस एक कटोरी इतना कच्चा साबूदाना और एक सेब का इस्तेमाल करके ये मज़ेदार सी रेसिपी हम कुछ ही मिनटों में आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आज का वीडियो एंड तक देखिएगा और पसंद अगर आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने लिया है ये कच्चा साबूदाना है, इसे बिल्कुल भी हमने भिगाया वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे साफ करके थोड़ा सा भून लेंगे, यानी हमें इसे रोस्ट करना है। तो देखिए, रोस्ट करने से क्या होता है ना, साबूदाना थोड़ा सा हल्का हो जाता है और जब हम इसे पीसते हैं तो ये पीसने में भी आसानी होगी। तो इसे अच्छे से इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसे भूनने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट का समय लगता है फ्रेंड्स। लो फ्लेम पर ही भूनेगा, गैस का फ्लेम हाई मत कीजिए, नहीं तो साबूदाना जल सकता है। एकदम सस्पेंस के साथ इसे भूनिएगा, इससे जो है ना हमारा ये साबूदाने का पाउडर एकदम फाइन भी बनता है और बहुत जल्दी से ये पीस भी जाएगा। तो देखिए, मैंने इसे ना 5 मिनट तक भून लिया है, इसका कलर वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं होता। बस 5 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनने के बाद आप ही इसे इस तरह से इसे प्लेट में निकाल लीजिए। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है फ्रेंड्स, और इसे प्लेट में निकालने के बाद ठंडा होने देंगे अच्छे से। जब यह ठंडा हो जाएगा तो डायरेक्टली मिक्सी के जार में डाल करके इसका हमें पाउडर तैयार करना है। जितना फाइन आप इसे पीस सकते हैं उस तरीके से आप इसे पीस लीजिए, लेकिन अगर ये फाइन पाउडर नहीं भी बनता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसका इस्तेमाल वैसे भी कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप ये साबूदाना का पाउडर बना के रखते हैं ना फ्रेंड्स, तो कभी भी आप इसका इंस्टेंट भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है और ये अच्छे से अभी पीस चुका है। तो इसके बाद के प्रोसेस में हमें यहाँ पर लेना है पतीले में 1/2 लीटर इतना फुल फैट वाला दूध, जिसे मैंने पहले बॉयल नहीं किया था। अभी हम इसे फर्स्टली बॉयल आने देंगे। सच में फ्रेंड्स, एकदम न्यू ब्रांड रेसिपी है, आप इस व्रत में इसे ज़रूर बना करके देखिएगा। अभी मैंने दूध में बिल्कुल भी फ्लेवर के लिए इलायची केसर वगैरह ऐड नहीं किया है। अगर आप व्रत में ये चीज़ें खाते हैं केसर वगैरह, तो आप इसमें डाल दीजिए। और जैसे ही दूध में उबाल आता है ना, तो हमें इसमें डालना है ये साबूदाने का पाउडर 2 से 3 चम्मच। तो मैंने यहाँ पर ना छोटे चम्मच से 3 चम्मच इतना 1/2 लीटर दूध के लिए ये साबूदाने का पाउडर डाल दिया है। इसे हिलाते रहिएगा क्योंकि साबूदाना दूध में जाते ही दूध उबल सकता है फ्रेंड्स, और पतीले से बाहर भी आ सकता है। वैसे भी ये साबूदाना बॉटम में जाके चिपक सकता है फ्रेंड्स, जिससे वो जल सकता है, इसीलिए इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहिएगा। एक बार दूध में उबाल आ जाएगा ना, तो इसे चलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, आप उसे वैसे भी पका सकते हैं बिना चलाए। देखिए, मिठास के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून इतनी चीनी इसमें डाली है। आप मिठास का ऑप्शनल, यानी आप यहाँ पर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध जो है ना गुड़ से फट जाता है, तो मिठास आप अपने हिसाब से इसमें रखिएगा। और मैंने आपको पहले ही बोला, दूध में उबाल आने तक हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाना होगा, नहीं तो साबूदाना बॉटम में जाके चिपक सकता है। बस इतनी ही प्रोसेस है फ्रेंड्स, एकदम मस्त ये रेसिपी बनकर के तैयार होती है। इस कस्टर्ड को बनाने के लिए हमने ना इसमें कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना कॉर्नफ्लोर पाउडर का। बस साबूदाने का इस्तेमाल करके इस तरह से आप ये कस्टर्ड रेडी कर सकते हैं। व्रत के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है फ्रेंड्स। और देखिए, हमें इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना होगा, क्योंकि साबूदाना हमने यहाँ पर कच्चा इस्तेमाल किया था। और 10 मिनट तक इसे पकाने के बाद देखिए, साबूदाना अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं चम्मच को। बस इसी तरीके से हमें यह साबूदाने वाला कस्टर्ड रेडी करना है फ्रेंड्स। और बस इसे 10 मिनट तक पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे रख करके ठंडा कर सकते हैं, या फिर ठंडे पानी में ये पतीला रख करके उसे ठंडा कर सकते हैं अगर आपको जल्दी हो तो, या तो फिर गैस पे ही ऐसे ही इसे छोड़ दीजिए, आधे घंटे में ये ठंडा हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हमें इसमें फ्रूट में ऐड करना है सेब। आप यहाँ पर ना यहाँ पर केला भी ले सकते हैं, या जो फ्रूट आप खाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ का यहाँ पर सेब लिया है, उसे अच्छे से हम पील ऑफ कर लेंगे। वॉश करने के बाद पील ऑफ करके इसके हमें छोटे छोटे पीसेस कट करना है। ये रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है फ्रेंड्स। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें आप बहुत सारे फ्रूट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप आपके हिसाब से इसमें बहुत सारे फ्रूट डाल दीजिएगा। एक तो मज़ेदार सा ये कस्टर्ड बन करके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और आपने कभी नहीं बनाया होगा इस तरह का डिश, आप एक बार घर पर इस व्रत स्पेशल सीज़न में ज़रूर बना करके देखिएगा। यकीन मानिए, आपके फैमिली मेम्बर्स को आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ मेरी रेसिपीज़ अच्छी भी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो देखिए, एकदम पतला पतला यहाँ पर मैंने एप्पल को काट लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमें इस एप्पल को डालना होता है वो साबूदाने वाले कस्टर्ड में।
जो ऑलरेडी हमने आधे घंटे तक साइड में रख दिया था और वो अच्छा खासा ठंडा भी हो चुका है, तो बस अभी उसे एक हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उपवास में साबूदाना खीर तो हमेशा से बनाई जाती है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप साबूदाना खीर खाकर बोर हो चुके हैं ना, तो इस तरीके से साबूदाना कस्टर्ड घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो साबूदाना का कस्टर्ड है मैंने एक बाउल में निकाला, उसके बाद ये कट किया हुआ एप्पल इसमें डाल दिया। आप यहाँ पर बनाना डालिएगा और भी ये इसका अच्छा टेस्ट आएगा। आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल है, जो आप खाते हैं वो इसमें डालिएगा, लेकिन याद रखिएगा खट्टे फ्रूट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। खट्टे फ्रूट्स जो है ना फ्रेंड्स, इसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसमें खट्टे फ्रूट्स ऐड मत कीजिए। और बस फ्रूट इसमें डालने के बाद इसे हमें रख देना है फ्रिज में। आप इसे इसी स्टेज पर भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे आधा घंटे तक फ्रिज में रखेंगे उसके बाद खाएंगे ना, तो इसका मज़ा डबल हो जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एकदम रिच, क्रीमी, टेस्टी, ये देखिए थिक, ये हमारा साबूदाना वाला कस्टर्ड बन करके तैयार है। आप इसे रात में बना लीजिए, पूरा दिन इस्तेमाल कीजिए, या फिर सुबह में बना करके पूरा दिन इस्तेमाल कीजिए। मेहमानों के लिए तो इस उपवास स्पेशल डेज में ये रेसिपी एकदम धमाका होने वाली है फ्रेंड्स, और आप इसे बना करके रखेंगे तो आइसक्रीम की तरह कभी भी खा सकेंगे। तो आज का वीडियो, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वो भी इस रेसिपी को घर पर बना सके, इसका मज़ा ले सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।